क्योंकि अगर मजबूती के साथ नगर निगम ने पिछले 5-6 सालों में अगर योजना बनाई होती नालों की, अब नाले भी अनियोजित रूप से बनाए हैं, उनकी निकासी कहीं ना कहीं होती ही नहीं, पानी बाहर जाता ही नहीं, वो नालों में जो बनाए हैं नाले उनमें पानी सड़ता रहता है। तो प्रॉपर जो व्यवस्था होनी चाहिए थी पानी की निकासी की, वो पिछले 5-6 सालों में नहीं होता। नए नए कॉलोनियाँ बन गई, नए नए क्षेत्र बन गए, इसके लिए अतिक्रमण को भी मैं जिम्मेदार समझता हूँ। अतिक्रमण के खिलाफ शासन प्रशासन को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो भी ठीक तरह से संचालित नहीं होता, इसलिए रुड़की की जनता को ये कष्ट भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा है कि इस जल भराव के लिए ये कोई पहली बार तो इस बार भरा ली बारिश में जल भराव, लेकिन इस बार ज़्यादा भर रहा है। इस जल भराव के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, एक तो जो पिछला नगर निगम में लोग बैठे रहे यहाँ पर, और जिन्होंने रुड़की जो एक बहुत बड़ा शहर एक महानगर बन रहा है, और जैसे जैसे यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुरेश जैन ने ADB की जो योजना लाए थे, और उसके अंतर्गत जो यहाँ पर पानी की निकासी का जो इंतजाम होना था ADB के माध्यम से, वो इस कांग्रेस की जो पिछली कांग्रेस की सरकार रही, और नगर निगम में जो यहाँ पर लोग विराजमान हो गए, उन लोगों ने उस सारी जो योजनाएं हैं उनका बेड़ा गर्क किया है। और इस जल भराव के लिए कांग्रेस की प्रदेश की पूर्व सरकार और नगर निगम में बैठे पूर्व जो लोग थे वो लोग इसके लिए पूर्णतया जिम्मेदार हैं। और आगामी दिनों में जो चुनाव होने हैं नगर निगम के चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी, और भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद, क्योंकि नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों मिलकर इस जल भराव की समस्या से रुड़की की जनता को अवश्य निजात दिलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।